हम मान भी लेते हैं कि भैया जो आंकड़े आपने सार्वजनिक किए वो आंकड़े सही है, भाई सरकार तो मानती है सही है, हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू करो। इसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्यों एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं है? हमारे नेता ने खुल के बोला कि बनाइए किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री। तमाम राजनीतिक विवादों ने, तमाम राजनीतिक चर्चाओं ने, विकास की बात तो बिहार में होती नहीं तो विकास की बात करने का मतलब नहीं है, बट तमाम बातों ने एक बैक सीट ले लिया है और सिर्फ बिहार में हुई जातीय जनगणना और उसके आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये ना सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी ये मुद्दा हावी हो चुका है। जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हो रहे उन राज्यों में तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता लॉलीपॉप की तरह घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम भी अपने राज्य में कराएंगे, हम भी अपने राज्य में कराएंगे। भैया जिस राज्य में ये हुआ उस राज्य में क्या हम लोगों ने पाया पहले ये तो हम लोग जान लें। भाई अगर एक जनगणना हुई उसके आंकड़े कैसे हुई नहीं हुई किसी को नहीं पता, वो मेरिट्स डिमेरिट्स सब पे हम लोग आएंगे, पर उस जनगणना का लाभ किसको मिला यहां पर और उस जनगणना का क्या लाभ ऐसा है जिसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता इतने उत्साहित हैं कि हर राज्य में जहां पे चुनाव हो रहा है भागे भागे जा रहे हैं घोषणा करने के लिए। आज की तारीख में 21वीं सदी में जहाँ हम लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, हम लोग सूर्य तक पहुंचने की हम लोग बात करते हैं, मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा, मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता, पर उसके बावजूद मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जातीय जनगणना का हम लोगों ने समर्थन किया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण कि ऐसे वंचित वर्गों के समूह को चिन्हित किया जाए जो आजादी के 75 साल के बाद अभी तक हाशिए पर हैं, उनको चिन्हित करके उनकी संख्या, ऐसे वंचित वर्ग के समूह की संख्या सामने आनी चाहिए जिनको अभी तक ना राजनीतिक ना सामाजिक ना आर्थिक किसी भी धारा से वो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको चिन्हित करना जरूरी है। आखिरी बार 1931 में जनगणना हुई, उस जनगणना के बाद जब इस जनगणना की बात हुई तो लोगों के मन में भी एक उत्साह था कि संभवतः कई ऐसे नए आंकड़े सामने आएंगे जिसकी उम्मीद बिहार के लोग लगा के रखे हुए थे। और उसके बाद जब आंकड़े सामने आए तो क्या आंकड़े थे, मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो 1931 में जो जनगणना हुई उसी की एवरेजिंग सामने आ गई, उसी की एवरेजिंग करके उसको सामने रख दिया गया। अगर ये बंद कमरे में तैयार किए हुए आंकड़े होंगे तो उसपे भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, भैया कहां खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया, कितने लोगों के दरवाजे खटखटाए गए। बल्कि मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि एक सर्वे जनरली आप लोगों को करना चाहिए, जाइए रैंडमली पूछिए गांव देहात में जाकर कि आपके पास कितने लोग आए, कैसे जानकारी ली गई। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बन्नी में था, वहां पर कई मैंने ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहां पे कौन कौन आए, अपने परिवार वालों से पूछा, ना के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में पूछा। तो भाई ये जनगणना हुई कैसे भगवान जाने, और उसके जब आंकड़े सामने आए स्वाभाविक से आंकड़े समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रह रही है, उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर और कई ऐसी जातियां। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.